हाय गाइस, बोडोलैंड ऑटो ड्राइवर यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। ये देखिए, मैं हूँ कोग्राजार डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो टिट्टागुरी बोल की जो टाउन है उससे मैं पश्चिम तरफ जा रहा हूँ। अभी देखिए, इसमें जो पानी दिखाई दे रहे ना, ये कोई नदी नहीं है, कोई सागर नहीं है। जो दो सप्ते से पानी जो बारिश आ रहे ने, इसकी वजह से पूरा पानी पानी हुआ है। ये नदी नहीं है, इसमें हम लोग खेती करते थे, इसमें ये गांव वाले खेती करते थे, लेकिन ये साल में ऐसे बारिश की वजह से जो पानी है ना, बहुत ओवरफ्लो हो गया है। और मुझे लगता है कुछ दिन के पहले जो मेंढक का शादी किया था ना, उसका नतीजा निकाला। रे बाबा, देखिए जब मेंढक का शादी किया था ना, वो बहुत पाप लगने वाले हैं, क्योंकि इतना बारिश हो गया ना, इतना बारिश हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश आने लगा है। अभी तक रुका नहीं, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है कुछ। इसकी वजह से बहुत परेशान होने वाले। देखिए 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 पानी कितना हो गया, जैसे कि ये कोई नदी है, बड़ा नदी है ऐसा लगता है, सागर का जैसा लगता है। देखिए इसमें कैसा खेती करेंगे। अभी कुछ जगह दिखाई नहीं दे रहे हैं जो खेती कर सकते हैं। ये देखिए, एक भी जगह नहीं है जो पानी नहीं है। देखिए, हाय हाय हाय, कैसे खेती करेंगे इसमें। देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि इस जगह में खेती कर सकते हैं। देखिए वो जो दिखाई दे रहा है ना, वो गांव है ना, उधर भी पूरा पानी में पानी से डूबा हुआ है। देखिए, और ये साइड में थोड़ा कम पानी है। देखिए जो पानी कम है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है चावल का खेती करने का पूरा तैयारी में है। देखिए दूसरा साइड में थोड़ा पानी कम है, इसलिए वो जो दिखाई दे रहा है अंकल, वो पूरा तैयार कर रहा है खेती करने का, पूरा तैयारी में है। और वो जो चावल का जो विधान है, उसको पूरा तैयार करके रख दिया है उसने। और मैं वापस जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं दूसरा जगह भी दिखाना है आप लोग को, क्योंकि ये इधर साइड में जाएंगे तो ऐसे ही देखते रह देखने मिलेंगे जो खेती करने का जो जगह है, ऐसे ही आपको देखने मिलेंगे। इसलिए दूसरा जगह भी दिखाना है, इसलिए मैं वापस आ रहा उधर से। देखिए क्या हालत हो गया है। ये साल में कम से कम वाला कम दाम वाला जो चावल है ना, वो भी 40-45-50 किलो हो गया है। इसलिए अगर ये साल में भी अगर खेती करने नहीं मिलेगा तो बहुत तकलीफ होगा गरीब लोगों को, बहुत परेशान होगा। क्योंकि अगर ये साल में ही अगर 45 किलो खरीद कर खाना पड़ रहा है, तो अगला साल में शायद 100 रुपया ही हो जाएगा। इसलिए मुझे भी बहुत सोचने लगा है कि अगला साल में शायद 100 रुपये में खरीद कर चावल खाना पड़ेगा। इसलिए अभी मैं वापस आ रहा हूँ इधर से। और ये देखिए, इधर साइड पर थोड़ा सा कम है, और इधर दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा पाइपलाइन है जो काला वाला है। इसमें क्या होने वाला है पता है? ये जो पाइप दिखाई दे रहा है वो जाएगा, ये पाइप जो है वो कलकत्ता से ज्वाइन करके आ रहे हैं, और जब जाएंगे अब हम लोग का आसाम का जो
बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का जो रिफाइनरी जो बड़ा वाला इंडस्ट्री है ना, उसमें ये पाइप जाने वाले हैं। देखिए ये काला वाला पाइप जो है बहुत बड़ा बड़ा है। सामने में अगर देखेंगे तो आदमी आराम से चल सकता है यार इसका अंदर में। ये पाइप जो है इधर से तेल जाने वाले हैं जो रिफाइनरी में निकलते हैं तेल, जो डीजल निकलते पेट्रोल निकलते हैं। ये जो है वो पाइप से डायरेक्ट कलकत्ता में जाएंगे, वो भी मिट्टी का अंडर अंडर से ही जाएंगे। कोई रास्ता का जरूरी नहीं है, कोई गाड़ी का जरूरी नहीं, डायरेक्ट इधर पाइप से डायरेक्ट कलकत्ता निकल जाएंगे। इसलिए इसको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इधर पाइप से भेज देंगे तो कोई खर्चा नहीं आएगा कंपनी का। इसलिए ये सब खरीद का पाइप लगा के रखा है। देखिए कुछ दिन का बाद उन लोग को ट्रक का जरूरी नहीं होगा, गाड़ी का जरूरी नहीं होगा, डायरेक्ट मिट्टी का नीचे से लेके जाएंगे। और मैं इधर से वापस आ गया हूँ भी, जाते जाते आप लोग को दिखाता हूँ। ये है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, देखिए उसका गेट कैसा लग रहा है आप लोग को। देखिए इसमें जो गेट है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और अंदर एक गाड़ी चला गया देखिए, और एक लड़की जो जा रहे हैं वो स्टूडेंट है वो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का। और देखिए बहुत बड़ा जगह लिया है यूनिवर्सिटी में, और कितना हेक्टर होगा मालूम नहीं है। और देखिए यूनिवर्सिटी से थोड़ा ही आगे आके ऐसा हालत देखिए, पानी पानी कितना बड़ा हो गया है पानी, और देखने में जैसे कि सागर जैसा लगता है, सागर जैसा लगता है, नदी का जैसा कुछ नहीं देखता है। देखिए अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके अभी क्या बोलते हैं गौरांग नदी को क्रॉस करने वाले हैं। देखिए गौरांग नदी यहाँ से कम से कम 8.5 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर में है जो ब्रिज है, और यहाँ से शुरुआत हुआ है पानी। देखिए और ये रास्ता है ना, 1 साल भी नहीं हुआ, देखिए ये बारिश कैसा हालत कर दिया है ये रास्ता का। जो कंस्ट्रक्टर बनाया था उसका हालत पूरा ख़राब है। ये रास्ता साइड साइड का जो है वो पानी से चला जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है। देखिए क्या करना पड़ रहा है वो जो रास्ता बनाया है, क्योंकि अगर ये बिल होने तक अगर ये रास्ता ख़राब हो जाएंगे तो उन लोग को शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए पूरा ये रास्ता को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है शायद। ये देखिए चावल का बोरी जो है इसमें मिट्टी डाल के ये सब सपोर्ट कर रहा है, कुछ करने वाले हैं इसको ये रास्ता को बचा के रखने के लिए। देखिए बिल होने तक तो वो लोग देखना ही पड़ेगा। देखिए ब्रिज पोछा भी नहीं, कितना पानी बड़ा हो गया, देखिए कितना भर गया है पानी। कुछ दिन का बाद तो ये रास्ता तो पूरा ख़राब हो जाएगा अगर रुकेगा नहीं पानी। बारिश से अगर नहीं रुकने वाला है तो ये रास्ता पूरा ख़राब हो जाएगा। ये साल में ही बनाया था है। मतलब 1 साल नहीं हुआ ये जो रास्ता बनाया था, पूरा कम से कम ये रास्ता 6-7 फीट तो उठाया था ये रास्ता। मतलब मिट्टी दे दे के पूरा ऊंचा बना दिया था। इसलिए ये साल में हम लोग आसानी से आना जाना कर रहा है, बहुत ऊंचा कर दिया है। नहीं तो हम लोग ये पानी पूरा डूबा देता था ये रास्ता, और आना जाना बंद हो जाता था। देखिए
रास्ता तो बना दिया है, ऊपर तक कर दिए रास्ता बहुत मिट्टी डाल डाल के, लेकिन ये रास्ता बनाने के बाद हालत ये हुआ है, देखिए पूरा पूरा खराब हो चुका है। और कॉन्ट्रैक्ट का जो लोग हैं वो रास्ता को बचाने के लिए ये सब लगा रहा है, देखिए साइड साइड में देखो, और वो भी पहुंचने वाला है ब्रिज, देखो ब्रिज का ऊपर से आपको दिखाएंगे पानी कितना हुआ है। और पानी का मुझे तो ब्रिज से दिखा देख देखना बहुत डर लग रहा है, देखिए कितना पानी पानी हो गया, मुझे तो बहुत डर लगता है, वो नीचे में देखने के लिए भी बहुत डर लग रहा है मुझे, देखिए कितना पानी पानी हो गया, वाह कितना पानी, देखिए कुछ दिन अगर बारिश आते रहे तो हम लोग का हालत खराब हो जाएगा, शायद ये ब्रिज भी टूट जाए, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। और रास्ता भी पूरा टूट चुका है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो एरिया का जो MCLA MLA लोग हैं उन लोग से मतलब कांटेक्ट करके बताना पड़ेगा कि ये रास्ता का हालत ऐसा हो गया करके, तब वो लोग कुछ लोगों को भेज देंगे ताकि उसको ये रास्ता को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करे, क्योंकि अगर ये रास्ता अगर ख़राब हो जाएगा तो आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर जब बनाएंगे तो बहुत खर्चा आएंगे, और जो खर्चा होता है वो तो पब्लिक से लेके जाते हैं ना, इसलिए हम लोग को उस ये रास्ता को बचा के रखना हम लोग का ही जिम्मेदार है, इसलिए हम लोग फ़ोन करके बताना पड़ता है। वो भी इधर से आ गया हो और जा रहा हो अपना गांव तरफ, देखिए अपना गांव का तरफ भी देखिए क्या हालत हो गया, पानी से पानी पानी और पानी कितना, ये सब में हम लोग चावल नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते, कुछ होता भी नहीं है, जो भी अगर कुछ खेत करते हैं तो कुछ फल मिलना चाहिए लेकिन मिलता भी नहीं है, इसलिए ये ऐसा ही रख देते हैं। हम लोग का जो खेती करते हैं ना कि लोग जो खेती करते हैं उन लोग को पढ़ाई वराई कुछ आता नहीं, इसलिए वो लोग को मिट्टी में क्या काम है, क्या देना चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना ख्याल रखना पड़ता है, ये सब कुछ नहीं याद है, इसलिए सिर्फ चावल का ही खेती करते हैं। देखिए और पानी इधर साइड में थोड़ा काम है, देखिए रास्ता कितना मस्त है, ये तो ये रास्ता बनाया 3 साल हो गया पर कुछ खराब हुआ नहीं, देखिए कितना अच्छा है रास्ता। और ये साइड में देखिए जो चावल का जो खेती करते हैं इसमें क्या हालत हुआ है, साइड में पानी है और साइड में तो पानी नहीं है, फिर भी जितना चाहिए पानी तो इतना तो है खेती करने का, जो जो जितना ज़रूरी होता है इतना तो इधर साइड में